तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैश मेमोरी। ये काफी इंपॉर्टेंट था, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट में पूछ देता है ये टॉपिक, तो उसको आप लोग अच्छी तरीके से कवर अप करने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से आप नोट्स को बनाते जाइएगा, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो वही नोट्स आपके एग्जामिनेशन में काम करेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कैश मेमोरी क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, A cache memory is a small, fast and expensive memory that stores the copies of data that need to be accessed frequently from memory. यानी कहने का मतलब क्या है कि जो कैचे मेमोरी होता है वो काफी स्मॉल होता है और साथ ही फास्टेस्ट भी होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव मेमोरी भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं डेटा को एक्सेस कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं काफी फ्रिक्वेंटली, तो इसीलिए हम कैचे मेमोरी का यूज करते हैं। और उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ कैचे मेमोरी। तो कैचे मेमोरी मेनली दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका आता है प्राइमरी कैचे, दूसरा आपका आता है सेकेंडरी कैच। ओके, तो प्राइमरी कैच क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज L1 कैच और इंटरनल कैच एंड इट इज लोकेटेड इनसाइड द CPU। यानी इसको हम लोग L1 कैच के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ इंटरनल कैच के भी नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोकेट करते हैं किसके इनसाइड में, CPU के इनसाइड में, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द क्विक एक्सेस टू द फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड डेटा टू द माइक्रो प्रोसेसर। यानी ये क्या करता है, एक क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है डेटा को टू द माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ओके, और आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि सेकेंडरी कैच, इट इज ऑल्सो नॉन एज L2 कैच और द एक्सटर्नल कैच एंड इट इज लोकेटेड आउटसाइड द CPU। यानी ये क्या होता है, CPU के इनसाइड में लोकेट होता है, ये क्या होता है CPU के आउटसाइड में लोकेटेड होता है एंड पोजिशन ऑन द मदरबोर्ड, यानी वो मदरबोर्ड के पोजिशन में रहता है एंड इट इज ऑल्सो स्लोअर एज कम्पेयर टू द L1। यानी जो आपका कह सकते हैं कि जो प्राइमरी कैचे है वो थोड़ा सा फास्टेस्ट होता है और जो सेकेंडरी कैचे होता है वो थोड़ा सा स्लो काम करता है। ओके, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर अप किया। उसके बाद अगले वीडियो सीरीज के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हम डिस्कस कर लेंगे। ओके,